बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबके लिए दुआ हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कर दिया करें जी। अगेन आई एम कुकिंग जी। ये तो आपको नज़र ही आ रहा होगा, कहना क्या चाहती है और क्या निकल रहा होता है। मैं कहना यही चाहती हूँ कि आज भी आपको नज़र आ रहा है, ज़ाहिर बात है गोश्त ही के दिन है तो गोश्त ही पकता है, ज़ाहिर बात है। ठीक है जी, मगर आज स्पेशल मेरे पास फरमाइश आई है किसी ऐसी बंदी की फरमाइश आई है जो कि ख़ुद पुलाव में बिरयानी में बहुत एक्सपर्ट है, बट ये कि उन्हें मेरे हाथ का पसंद है। तो फिर ये कि मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, एक ब्लेंडर हो गया था, आपके साथ शेयर किया था, थोड़ा सा कलर दूसरा डल गया था। तो अब मैं बनाने लगी हूँ, मटन पुलाव ही बना रही हूँ, बट इंशाल्लाह ताला आज बड़ी एहतियात से बनाऊँगी, कलर भी देख के डालूँगी। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है जल्दी में होते बन जाता है, तो आज आराम आराम से बताती हूँ उसकी रेसिपी, ऑथेंटिक जो पुलाव की रेसिपी है वो आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है जी, और मेरे लिए यही ऑथेंटिक रेसिपी है क्योंकि यही मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, मेरी अम्मी से ज़्यादा अच्छा तो मैं समझती हूँ किसी को बनाना ही नहीं आता। ठीक है जी, ये 2 kg है मेरे पास मटन। ठीक है, ये उन्हीं से मैंने रेसिपी सीखी हुई है। 2 kg मटन है, 1 kg राइस है। अच्छा, इसमें डलेगा क्या क्या? ठीक है जी, ये इस देखिए आप, मैंने इसमें प्याज डाला है। सही बात, जितना आपके पास गोश्त इतना तो गैस आप लोगों को होता ही है ना। 2 kg तो इस तरह के मैंने इनके 4 पीसेस डाल दिए। ठीक है, ये प्याज डाल दिया मैंने, लहसुन डाला है इसमें 1 पूरी पोथी, और अदरक डाला है हाफ इनके 4-5 इंच का था अदरक, वो डाल दिया मैंने इसमें। और ये काली गोल मिर्च होती है सॉरी जी, काली गोल मिर्च डाल दी मैंने 8-10 दाने, बड़ी इलायची के 2 दाने डाले हैं, और सिनेमन स्टिक है ये 3-4, ये आपको नज़र ही आ रही होंगी, ये इस तरह के पीसेज हैं, इधर उधर हो गए 3-4 पीसेज ये डाल दिए छोटे। ठीक है, छोटी इलायची इसमें 2-3 पीसेस डाल दिए मैंने, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया फुल स्पून जो है 1 स्पून टीस्पून। ठीक है, और सॉल्ट मैंने डाल दिया है 1.5 टीस्पून भर के, क्योंकि राइस में जाएगा फिर हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और मैंने रेड क्रश चिली पाउडर डाल दी, ये देखिए जी, वैसे मैं चिली नहीं डालती चिली पाउडर, लेकिन ये क्या अच्छा लगता है, इसका अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर। तो ये मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया ये मैंने डाल दिया 2 स्पून। ठीक है, 2 टीस्पून देंगे इनके दोनों, 1 टीस्पून। ठीक है, सॉल्ट भी चला गया, ये सारे मसाले भी चले गए, प्याज भी चला गया, लहसुन अदरक भी चला गया, काली मिर्च चली गई, लौंग भी डाल दी मैंने 5-6 दाने लौंग के डाले, 4-5 दाने, और इसे बादियान का फूल डाला 1, और इसमें गया जायफल जावत्री जो है वो गया 1/2 टीस्पून। ठीक है जी, अब हमने इसमें क्या करना, हमने इसमें डाल देना पानी, और इसकी हमने रख देनी चूल्हे पर यखनी बनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुकर को लगा देना हमने अगेन, वही टाइम है हमारा 25 मिनट के, इनके 22 मिनट कुकर लगे चलने के बाद 22 मिनट टाइम देते हैं, और 2-3 मिनट इसे स्टीम में रहने देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्याज ब्राउन करेंगे और आपके साथ शेयर करते हैं आगे। अच्छा जी, देखिए हमारी यखनी जो है बिल्कुल रेडी है, यखनी हमारी तैयार हो गई है। देखिए जी, उसमें से मैंने फिर क्या किया है, प्याज ब्राउन किया है, खड़े मसाले डाले हैं। ठीक है जी, खड़े मसाले डाल के प्याज ब्राउन करके गोश्त को अच्छे तरीके से हमने कर लिया है फ्राई। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैंने केसर की पत्तियाँ भी डाल दी, बड़ी अच्छी खुशबू आती है राइस में जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमने डाल देनी है इसमें यखनी। ठीक है जी, अब हम यखनी पोर करते हैं, सेल फोन हाथ से रखते हैं, अदरक लहसुन हमने डाला हुआ है। ठीक है जी, अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से गोश्त और खूब हमने ये मटन को फ्राई कर लिया। अच्छा देखिए जी, अब हमने इसमें यखनी डाल दी अच्छी तरीके से, गोश्त वगैरह सब ये तैयार करके यखनी डाल दी है। ये यखनी जैसे बॉयल होगी, साथ ही हम इसमें राइस डाल देंगे, राइस का 2-3 बॉयल आएंगे, फ्लेम को हमने हमेशा हाई रखना होता है जब भी हम राइस डालते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे ही राइस का पानी ड्राई हो जाता है, तो फिर हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि हमने डाल देना उसमें राइस तो डाले हुए, राइस का पानी खुश्क हो जाएगा, तो हमने इसको दम पे लगा देना है, और दम पे लगा के फिर हमने इसके ऊपर बिरयानी मसाला अगर डालना चाहे पसंद करें तो फिर डाल दीजिए। ठीक है जी, और साथ ही हम ऐसे कर रहे हैं, इसमें लेमन और हरी मिर्च हमने साथ डाली, फ्राई के वक्त नहीं डाली, इस तरह डाल दिए। ये पुलाव होता है, ये होता है कि बच्चे आपको पता थोड़ा सा पसंद करते हैं, पुलाव बिरयानी टाइप की चीज़ बन जाती है, थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे दम पर। ठीक है जी, तो ये बॉयल होती है तो हम इसमें राइस डालते हैं। ठीक है जी, देखिए जी, जैसे यखनी बॉयल हुई है तो मैंने राइस डाल दिए, बस अब राइस ये है कि 2-3 बॉयल आएंगे, पानी खुश्क होगा, हम इसको दम पर लगा देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी देखिए, अब ये राइस दम पर आ गया, तो हम इसमें ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है जी, तो पैकेट वाला डाल दूँ, उससे मैंने आपको बताया मैं पैकेट वाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है हमें शुरू से अपनी अम्मी से आदत है ज़रा हम घर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने एक साइड पर डाल दिया, ये मैं डिज़ोल्व करके नहीं डाल रही, वैसे ही डाल दूँ। ठीक है जी, तो हम इसको दम पे लगा देंगे बस, कपड़ा लगाकर और कोई हैवी सी चीज़ रख देंगे। अच्छा जी, ये देखिए जी, 12-14 मिनट हो चुके हैं और राइस ज़बरदस्त से दम पर आ गए, और देखिए जी कितने, अभी तो भाप आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ, भाप में आपको नहीं पता चल रहा, ज़बरदस्त से राइस तैयार है हमारे, खिले खिले से ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त आ गया, देखिए जी आपको नज़र आ रहा है।
तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी बहुत भाप उठ रही है। अच्छा जी, देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है, रेडी है। ठीक है जी, तो ये हम आपको जल्दी जल्दी बनाया है, आज जुमे का दिन भी है, जुमा मुबारक सबको जी। ठीक है जी, ज़बरदस्त हमारा मटन पुलाव ही है। ठीक है जी, बिरयानी नहीं, मटन पुलाव है। तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा है। और आज ये पुलाव बनाया मैंने अपनी फ्रेंड शाजिया की फरमाइश पर, मेरी फ्रेंड है ना, बड़ी क्लोज फ्रेंड है मेरी, और मेरी क्लोज़ फ्रेंड यही है जो मैंने आपकी मुलाकात करवाई हुई है, यशिजा भी मेरी जो है वो क्लोज़ फ्रेंड में है। तो ये मैं जी उनके लिए बनाई आज स्पेशल उनकी फरमाइश पर, ये उन्हें बहुत पसंद है मेरे हाथ की। ठीक है जी, तो फिर ये मैं उनको भेजती हूँ। ओके जी, फिर आपने बताना है कि मेरी बिरयानी ये पुलाव आपको कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप मेरी वीडियोस देख सकें। ठीक है जी, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बाय बाय। अच्छा जी, ये पुलाव के साथ जी मैंने ये लेमन जो है चिकन जी बना ली है। ठीक है जी, इसमें मैं क्या डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ, हल्का सा काला मिर्च, काला नमक डालती हूँ, काली मिर्च डाल देती, जो गोल मिर्च होती है वो डाल देती हूँ मैं पिसी हुई। ठीक है, थोड़ी सी नमक डालती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, यानी कि बेटे मेरे सेवन अप लेते हैं पुलाव के साथ, लेकिन बेटी और मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैं ना घर का ये शिकंजी, तो मैं शिकंजी बना लेती हूँ एक जग भर के, ताकि ज़रा ये होता है पुलाव के साथ, हज़म भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, उसके बाद हम कहवा पी लेते हैं। ठीक है जी, बस ये हमारा आज का लंच था। ठीक है जी।